हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना ब्रेन लाइफस्टाइल। रात के बज रहे हैं 11:30 और ये देखो मेरा पूरा सो गया है। अभी मैं बोलना आप लोग कि इसको कपड़े क्यों नहीं पहनाए, क्योंकि ये कपड़े गर्मी लग रही थी जब ये सोया था। अभी एसी चला दिया है, अभी इसको पहना दूँगी थोड़ी देर में। और आज का बर्थडे, आज का ब्लॉग है बर्थडे गर्ल के नाम से, और हमारी बर्थडे गर्ल है ये। मैडम सो रही है, अभी उठी नहीं है, नींद में है बहुत ज़्यादा तेज। केक भाई ने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, केक आ चुका है। चलिए आपको मैं केक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा केक आ चुका है और अब हम जा रहे हैं जगाने बेबी को। उठो बेबी, उठो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। सो रहा है, उठ जाओ दीदी। ओ दीदी, आपका बर्थडे है आज। दीदी उठ जाओ। ओए दीदी उठो, बर्थडे है बर्थडे। 1 2 3 भाई काउंटिंग तो कर, कितना टाइम है बाकी है? 3 मिनट। किसको कॉल कर रहे हैं? बर्थडे याद नहीं है क्या? सो गए थे क्या? काउंटिंग स्टार्ट। दीदी वो बाबा का बर्थडे है ना? इतने देर में सो गए कैसे ये लोग? तो वही केक केक काट रहे हैं ना। बर्थडे टू यू। चलो भाई स्टार्ट करो, बर्थडे हमारा हो रहा है। ओ माय गॉड, मैंने ना गलत कर रहा हूँ, वीडियो कॉल कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा बर्थडे केक आ चुका है और ये बर्थडे गर्ल है हमारी, यहाँ पे लेटी हुई है, अभी तक उठी नहीं है बर्थडे गर्ल। बर्थडे गर्ल उठ जाओ जल्दी से, ये आपका केक है। केक में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, दृष्टि के बदले बिट्टू वो बी हटा देना भाई, डी बन जाएगा। ऑनलाइन केक में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप लोग सोच समझ के बनाए। तो ये देखिए हमारा जुगाड़ हो रहा है केक का। बाबू को उठा रहे हैं, पकड़। जिस टू के बदले बिट्टू लिखा हुआ है, तो अब इसको हम कर रहे हैं ठीक। यो ठीक हो गया ये, थोड़ा और बस अब परफेक्ट है। केक रेडी हो चुका है, बर्थडे गर्ल रेडी नहीं है अभी तक। बर्थडे गर्ल उठ जाओ, तो ये रहा हमारा केक है। ये बड़े गर्ल उठ जाओ, बर्थडे आपका मनाना है। देख केक काटने में कितनी एक्साइटेड हो रखी है, अभी सो रही है। उठाओ उठाओ उठो, और हैप्पी बर्थडे टू यू। इसको नहीं उठा रही, चश्मा उसने रखा। आराम से आराम से। ये देखिए ये कौन सा बर्थडे? बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ तो बर्थडे गर्ल की थोड़ी आंखों में प्रॉब्लम हो रखी है, इसलिए हम उसके लिए चश्मा लगाएंगे पहले, उसके बाद केक कट करेंगे, ताकि ताकि चश्मे से केक को एलर्जी ना हो। ऐसा है क्या भाई, रात को क्या जरूरत है चश्मा लगाने की? अरे अरे उसके तो टच ने ओ केक कट करना है ना, इतनी मेहनत से केक लेके आए हम। बर्थडे टू यू। ये देखिए चश्मा लग गया है, ताकि आई फ्लू हो रखा है हमारी बर्थडे गर्ल को। इधर 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 फेस करो। ये देखो मामू लेके आए हैं केक, बाबू का केक है ये। ओए मेरे बाबू को, बाबू को ये क्या नृत्य कर दिया। खुशबू जैसे देख, ऐसे कर पकड़ इसको, ताकि मैं भी देखू ना। अब यार दिस टू ऐसे क्यों बैठी है तू? नेक्स्ट डे यहाँ पर रखा होगा, बंदे वो कपड़ों के साइड में रखती है ना मम्मी।
दिशु आंखों को मत करो। इसकी चोट वोट तो नहीं लग गई आंखों में? ब्रेक कर दिया, कुछ ब्रेक करके फिर से बना एक बार। वो करता भी आईडी बनाने में इजी रहता है। Day to you, happy birthday dear. एक बच्चा हमारा सो रहा है अभी, बच्चों को क्या। तो बर्थडे केक हमारा स्टार्ट हो गया। इतना मेरा बर्थडे केक है हमारा। खाया किसने पहले? खुद ही नहीं खाया। नहीं नानी खाओ, नानी को खा था। नानी नहीं है तुम्हारे ऐसे मेरे साथ नहीं खाओ करते। अरे नहीं वो तुम सा नहीं दूध खाने करते ऐसे मेरे साथ। चलो खाने के अपने आप ही खा रहे हम लोग, खुद ही खा रहे हैं। देखो कोई खिला नहीं रहा हम लोगों को, इसलिए हम खुद ही खा रहे हैं। ये तो गलत बात है। मेरे मम्मा पापा ने सिखाया, भूख लगती है तो निकाला खा लिया। मेरे मम्मा पापा ने सिखाया है ये आज का ज्ञान है बर्थडे गर्ल का, कि मम्मा पापा ने सिखाया है भूख लगे तो पहले अपना पेट भर लो। ठीक है, तो हम भी वही मम्मा पापा का ज्ञान ले रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो नानू के साथ बेबी गई थी अभी कैंटीन, और हम बहुत सारी चीजें लाए हैं। तो बर्थडे की होगी, मेरा बर्थडे आ रहा था, आ गया आज है मेरा बर्थडे। तो सब लोग कमेंट में कहते हैं हैप्पी बर्थडे विश कर दो, और कहते हैं मैं ना बहुत सारी चीजें लाई कैंटीन से। अपने बर्थडे के लिए छोटी सी तैयारी करी है, बाद में हम बड़ा पार्टी करेंगे, घर में करेंगे। और बाद में 26 को, आज मेरा रियल बर्थडे है, तो 26 को हम अच्छे से करेंगे मेरे फ्रेंड्स के साथ पार्टी, अलग जगह पे बुक करेंगे। तो लेट मी शो यू व्हाट आई बॉट फ्रॉम कैंटीन। ठीक है, तो फर्स्ट मैं क्या बोलूँ यार, बहुत सारी चीज़ें किससे स्टार्ट करूँ। तो फर्स्ट मैं अपनी चॉकलेट से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर है हमारे पास बहुत सारी दो चॉकलेट्स, ठीक है, और जो लाइक स्नैकर्स, हाँ स्नैकर्स, ठीक है। हम सबको बहुत पसंद है ये वाली चॉकलेट। ठीक है, सेकेंड ये है ब्रेकफास्ट जो मैं स्कूल में लेकर जाऊंगी। ठीक है, तो आज हम घर पे बनाएंगे। मैं कल या मंडे को जाऊंगी स्कूल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो ये मैंने ब्रेकफास्ट लिए हैं, जो कि मैं लंच तो मेरा स्पेशल होने वाला है मंडे का, तो फिर मैं ये सब लेकर जाऊंगी। तो ब्रेकफास्ट, देन क्लास में और टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टॉफीज, ये है कोकोनट बाइट्स। ये हमारा सबसे फेवरेट बिस्किट है डार्क फैंटेसी। ठीक है, तो ये अभी पैक है, तो मैं आप खोल के नहीं दिखा सकती, बाहर निकाल के नहीं दिखा सकती। तो ठीक है, ये है कि चीज़ गलती करते हैं हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं डार्क फैंटेसी का हर एक चीज़, तो लेट्स वाई फॉर डैट। और ये हमारे पास है रोस्टेड सिवई। ठीक है, आई होप आप उन्हें खाई होगी कभी ना। And the last and not the list, this is a Italian garam wheat pasta, Italian wheat pasta। ठीक है, जो बेबी का फेवरेट है। और गाइस आप क्या बोलते हैं, पास्ता है ना, तो फिर ये हेल्दी है। नहीं तो कहते हो ज्यादातर मैं यही खरीदती हूँ, क्योंकि बीट पास्ता तो हेल्दी भी होता है, और मेरे फिर सब लोग मुझे मना भी नहीं करते, पर नानी बोलती है कि पास्ता है तो तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बर्थडे की तैयारी हो चुकी है, फुल ऑन मस्ती के मूड में हम लोग। और आज शाम को हम जाएंगे, आपको दूसरा
वेगस मॉल जाएंगे नहीं जाएंगे ये इनकी मम्मी पे डिपेंड करता है, आई डोंट नो। नहीं हमने और डिसाइड करके रखा है तो उसके अलावा आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज अगर हो गया ना, कल रात का भी है इसमें, तो आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ गाइज। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं नई नई वीडियो जो भी डालूं आप लोगों को वो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन में दिख जाए और आप लोग देख लें। तो गाइज अभी आप इसको वंस अगेन आप हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं हमारी बेबी को, हैप्पी बर्थडे बेबी मैं बोल रही हूँ। वैसे मैं रात को 12 बजे विश कर चुकी हूँ, आप देख लोगे आगे वीडियो में कि हमने रात को 12 बजे विश किया है और हमने केक कट किया है। रात को आज फिर से केक कट होएगा, हमारा घर में ये रूल है कि 12 बजे भी रात को कटते हैं और फिर दूसरे दिन 8 बजे भी कटता है केक। ये भाई ने स्टार्ट करा था फर्स्ट बर्थडे केक, मेरा ही रात को कटा था 12 बजे, मेरा कटा था फर्स्ट बर्थडे पे केक 12 बजे। नहीं तो हमेशा एक ही टाइम पे कटता था पापा मम्मी टाइम, मतलब 8 बजे बर्थडे के दिन ही। जब ये सब छोटे थे तब ऐसा ही होता था, ठीक है, कि जिस दिन बर्थडे होता था उसी दिन केक काटते थे, बट जब से मैं आ गई इस घर में तब तो अलग ही खुशियां। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, रात को 12 बजे पहला केक बर्थडे केक मेरा ही कटा है, वो भी मेरे भाई ने कटाया है। बेबी की शक्ल देख सकते हो और इसका चेहरा कि मुंह बन रहा है, बट हाँ ये बात सच है, किसी से पूछ लेना मेरे घर में आप। तो गाइस जस्ट जोकिंग, बेबी का बर्थडे स्पेशल है हमारी और बहुत ज्यादा स्पेशल है, हम बहुत हैप्पी हैं अपनी बेबी के बर्थडे पे। बट मैं हैप्पी नहीं हूँ, बाय, क्योंकि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे मनाऊंगी मेरी मासी आएंगी नहीं। हाँ ये बात तो है, क्योंकि हमारा डिसाइड था हम आज के दिन ही बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे फ्रेंड्स के साथ भी, बट बेबी के आईज में प्रॉब्लम है, मतलब आई फ्लो रखा है इसको, तो इसलिए हम नहीं मना रहे हैं। 26 को हम मतलब पोस्टपोन कर दिया, आगे कर दिया है इस वजह से। तो ओके गाइस बाय बाय, वीडियो भी चाहिए तो मासी कमेंट करना, मासी तब भी मासी आएंगी अगर आपके ओके। मैं ट्राई करूंगी कि मैं उस दिन भी आके कैप्चर करूँ वीडियो बेबी का, कि उस दिन स्पेशल होगा, गेम होंगे, बच्चे होंगे छोटे छोटे और पार्टी भी अच्छी हो रही है। ओके गाइस बाय बाय।